स्टार्ट हुआ, बताओ सर एक बार। हाँ सर, ओके सर, ठीक है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लास है, और आज फाइनेंस में हम लोग बताएंगे सर लेवरेज के बारे में, डिस्कशंस को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो लेवरेज कॉन्सेप्ट तो पता हो ही गया, ठीक है, बिकॉज इंट्रो तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि लेवरेज बेसिकली रिस्क कंट्रोलिंग एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, रिस्क कंट्रोलिंग कॉन्सेप्ट हाउ सर? लेवरेज का मतलब ही रिस्क होता है। अब रिस्क दो तरह का हो सकता है, किसमें मैं किस रिस्क का बात कर रहा हूँ सर? मैं आप लोगों को बिजनेस रिस्क का बात कर रहा हूँ। ठीक है, कंपनी जो चलता है सर, आप लोगों को समझ में आ ही रहे सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बात है। तो कॉरपोरेट लेवल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर रिस्क कंट्रोल करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर होता है। जो कंपनी रिस्क को कंट्रोल नहीं कर पाता है, उनके लिए बिजनेस करना मुश्किल हो जाता है, या फिर बिजनेस को बंद करना पड़ सकता है। बहुत ही खराब बात होता है सर, मतलब बोलने में आसान है कि नहीं कर पाया तो बंद हो गया, लेकिन एक बिजनेस बंद होना मतलब सिर्फ एक बिजनेस बंद होना नहीं सर, बहुत सारा लोगों का रोजी रोटी भी बंद हो जाता है। कंपनी सिर्फ ओनर का नहीं होता है ना, तभी तो नाम कंपनी है जो सबके साथ में चलता है ना। कंपनी हम लोग बोलते हैं ना भाई, कंपनी दे दो मतलब साथ दे दो। ठीक है, तो सबके साथ ही एक कंपनी आगे बढ़ सकता है, और जब कंपनी किसी कारण से भी सिचुएशन उसका खराब होता है, डगमगाता है, देर आर लॉट्स ऑफ रीजन हो सकता है, उसमें से सबसे वाइटल रीजन ऑब्वियसली उसका फाइनेंशियल मैटर होता है, सबसे वाइटल। बिकॉज आर्थिक चीजें जो होते हैं ना सर, फाइनेंशियल मैटर जो होते हैं, उसको कंट्रोल करना बिजनेस के लिए एक बहुत ही वाइटल डिसीजन होते हैं। चाहे वो बिजनेस छोटा बिजनेस हो, चाहे वो बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस हो, चाहे वो मीडियम कैटेगरी में आते हो, लेकिन बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए उसका लेवरेज कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि बिजनेस में एक ऑपरेटिंग रिस्क होता है, और एक बताओ सर, एक ऑपरेटिंग रिस्क और एक दूसरा, एनीवन, जियाउल, नील, बताओ, फाइनेंस फाइनेंशियल रिस्क। थैंक यू सर। ठीक है, तो ऑपरेटिंग रिस्क के कारण डीओएल क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है सर? डीओएल, दैट इज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। दूसरा जो लेवरेज है या रिस्क है, दैट इज डीएफएल, दैट इज डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। अब ऑपरेटिंग लेवरेज का मेन कॉन्सेप्ट क्या है सर? बिजनेस को जो फिक्स्ड एक्सपेंस मेंटेन करना पड़ता है, कोई भी बिजनेस, ठीक है, जैसे कि उसका डिप्रिसिएशन, रेंट, दिस काइंड ऑफ थिंग, ये हो जाता है उसका ऑपरेटिंग रिस्क। मतलब अगर आप बिजनेस करने में प्रॉब्लम में आ जाते हो, या फिर आपका जो भी बिजनेस है वो अगर कभी भी रिस्क में आ जाता है, तो आपका दो मेन कंसर्न हो जाता है, फिक्स एक्सपेंसेस। ठीक है, फिक्स, कोई भी फिक्स एक्सपेंस हो सकता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको रेंट के बारे में बताया, क्योंकि बिजनेस के लिए रेंट पे करना एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है, जो भी स्पेशली सिटी में। ठीक है, दूसरा बड़ा सवाल हो जाता है सर डिप्रिसिएशन के साथ, सॉरी, रेंट के साथ डिप्रिसिएशन, मतलब आपके बिजनेस में जो फिक्स एसेट्स होते हैं उस एसेट्स का वैल्यू डे बाई डे गिरना। ठीक है, तो ये डिप्रिशिएट होना मशीन्स या एसेट्स के लिए बहुत ही वाइटल बात है, और चाहे आप उसको यूज करो ना करो, वो एक डे बाई डे वैल्यूएशन उसका डिक्रीज होता है, नॉन कैश है, बट फिर भी बिजनेस के लिए एक चिंता का विषय जरूर होता है सर। तो ये जो रिस्क है ना, फिक्स्ड कॉस्ट का जो रिस्क है बिजनेस को, ये चाहे आपका प्रॉफिट हो या ना हो, चाहे आपके बिजनेस में पैसा आए या ना आए, रेवेन्यू का फ्लो हो या ना हो, आपको अपना फिक्स्ड एक्सपेंस उठाना ही पड़ेगा, है ना। चाहे कोरोना आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, चाहे वर्ल्ड वॉर चालू हो जाए, आपको अगर बिजनेस को सरवाइव करवाना है तो फिक्स्ड कॉस्ट आपको मेंटेन करना ही होगा। लास्ट वीक मैंने जेट एयरवेज के बारे में केस स्टडीज बताया था, मतलब उसका रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ आपको जोड़ा था। आई होप कि आप लोगों को याद है कि जेट फिर से अपना उड़ान भर रहा है ना सर, लेकिन जेट इतना दिन बैठे बैठे खर्चा किया, अपने बिजनेस को चुपचाप बिठा के रखा, क्योंकि इतना ज्यादा लॉस हो रहा था, तो लॉस को मैनेज नहीं कर पा रहा था, तो ऑपरेशन ही बंद कर दिया ताकि फिक्स्ड कॉस्ट कम हो जाए, बिकॉज बिजनेस का जो भी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है वो डे बाई डे इतना बढ़ रहा था, और फाइनेंशियल बर्डन इतना ज्यादा हो रहा था कि बिजनेस अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा था। तो 2019 में जेट एयरवेज अपने आप को बंद करके रखा था। तो ऐसा जेट का कहानी अकेला का नहीं है, इस तरह का स्टोरी बहुत सारा मिलेगा आपको, अगर आप थोड़ा सा फाइनेंशियल वर्ल्ड या मार्केट के साथ कनेक्टेड रहोगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो सर इतना सारा बात क्यों बोल रहे हो सर? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप ऑपरेटिंग मैटर को नहीं समझोगे, तो फिर मैं आपको फाइनेंशियल मैटर नहीं समझा पाऊंगा,
अगर मैं आपको फाइनेंशियल मैटर नहीं समझा पाऊंगा तो फिर मैं आपको लेवरेज नहीं समझा पाऊंगा, और लेवरेज का आज मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है? तो क्वेश्चंस का जवाब भी उसके कॉन्सेप्ट के अंदर छुपा हुआ होता है, ठीक है? तो चलो सर स्क्रीन शेयर करते हैं, और आपको इतना देर से मैं लास्ट दिन का स्टोरी थोड़ा रिवाइज भी करवा दिया, आई होप कि आपको याद आ गया होगा। वैसे भी मैं थोड़ा सा आपको नोट्स याद दिलाता हूँ, ये हम लोग लास्ट दिन पढ़े थे सर, लेवरेज या रिस्क, रिस्क अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस, जिसमें आपके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क होता है ऑपरेटिंग फिक्स्ड एक्सपेंसेस, जिसमें रेंट आ जाता है, डिप्रिसिएशन आ जाता है, फिक्स्ड एक्सपेंस, फाइनेंशियल फिक्स्ड एक्सपेंस, जिसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे अभी, ठीक है? क्योंकि बिजनेस के लिए जो बहुत ही ज़्यादा रिस्क का मैटर होता है वो है उसका इंटरेस्ट का बेयर करना, मतलब जैसे बैंक लोन वगैरह हो जाता है या बोरोइंग हो जाता है, या फिर जैसे मानो बिकॉज ये मैंडेटरी एक्सपेंसेस है सर, तो मैंडेटरी एक्सपेंसेस ना देना पड़ेगा, ये भी मैंडेटरी है, रेंट ना देने से आपका लैंड ओनर आपको छोड़ेगा नहीं, और इंटरेस्ट ना देने से बैंक आपको या लेंडर आपको छोड़ेगा नहीं, और ये मैंडेटरी एक्सपेंसेस है, आपका लायबिलिटी है सर, ठीक है? ये आपका फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है, तो ऑब्लिगेशंस पे करना तो पड़ेगा, और ऑब्लिगेशंस ऑलवेज थोड़ा बहुत रिस्क के साथ, थोड़ा बहुत क्यों, कभी कभी ज़्यादा रिस्क भी बोल सकते हो आप, ठीक है? तो आपको इंटरेस्ट पे करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड मैंडेटरीली पे करना है, ठीक है? बिकॉज आप प्रेफरेंस वाले को वादा करते हो कि चाहे कंपनी चले ना चले मैं आपको एक फिक्स रिटर्न दूंगा, है ना? तभी प्रेफरेंस वाले आपको भरोसा करते हैं और आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। सो ऐसा बहुत एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कंपनी को फाइनेंशियल फिक्स खर्चा या ऑपरेटिंग फिक्स खर्चा अलग अलग देखने को मिल जाता है। लेकिन बात यह है सर, चाहे मैटर ऑपरेटिंग का हो, चाहे मैटर फाइनेंशियल का हो, चाहे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज हो, चाहे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज हो, ये दोनों मिलके एक बिजनेस के लिए एक मैटर आता है जिसका नाम है DTL और DCL, दैट इज डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज और डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज। ये मैं बता दिया था आप लोगों को। फिर मैंने आप लोगों को एक इनकम स्टेटमेंट सिखाया था, है ना सर? इनकम स्टेटमेंट में क्या था सर कि आपका बिजनेस का जर्नी मैंने आपके डिस्कस करके बताया था, वो जर्नी कैसा था सर? दो जर्नी के बारे में मैंने डिस्कस किया था, जिसमें आपको मैं इनकम स्टेटमेंट तो पहले सिखा रहा था कि इनकम स्टेटमेंट जो हर एक बिजनेस को उस रास्ते से गुजरना पड़ता है अगर आपको इनकम करना हो, तो अगर आपको इनकम करना है तो आपको सबसे पहले रेवेन्यू जनरेट करना होगा, दैट इज सेल्स, फिर वहाँ से आपका वेरिएबल कॉस्ट को हटाना पड़ेगा तो आपको मिलता है कंट्रीब्यूशन, और इसको मैं आपको मैथमेटिकली भी कुछ फॉर्मूला ओरिएंटेड वे में भी कैलकुलेशन करना सिखाया, जैसे P into Q मतलब वेरिएबल खर्चा इनटू कितना क्वांटिटी के लिए खर्चा, ठीक है? P मतलब प्राइस क्वांटिटी और V मतलब वेरिएबल कॉस्ट एंड क्वांटिटी। फिर आपको यहाँ से Q कॉमन मिलके आपको क्या कर रहा है सर, Q into P-B, तो ये आपका कंट्रीब्यूशन बन जा रहा था। ये सब मैं आपको सिखाया था, समझाया भी था। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट को हटाओ तो आपको EBIT मिलता है, और EBIT का भी फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया था। सर फॉर्मूला को क्यों बार बार कोट कर रहा हूँ, बिकॉज काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है। जहां पर आपको सवाल समझ में नहीं आएगा ये फॉर्मूला आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है? बिकॉज छोटा छोटा फ्रैक्शन है ना, ये छोटा छोटा फैक्टर बोल सकते हो आप, ये छोटा छोटा फॉर्मूला का फैक्टर आपको बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा। सर बिजनेस रिस्क और ऑपरेटिंग रिस्क, ठीक है, इसको हम लोग किसके थ्रू से समझते हैं, EBIT के थ्रू से समझते हैं। तो अगर आपके बिजनेस रिस्क है और ऑपरेटिंग रिस्क है, जो बेसिकली EBIT के वेरिएबिलिटी पे डिपेंड करता है, जिसके लिए मैं ग्राफ भी ड्रॉ करके समझाया था। फिर मैंने आपको DOL के बारे में समझाया था कि DOL क्या है। अगर आपके बिजनेस में DOL 3 दिखता है, इसका मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 3 का मतलब क्या है सर? 3 का मतलब 3 के जगह 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 के जगह 30 भी हो सकता है। इट मीन्स दैट इफ सेल्स चेंज बाई 1% EBIT विल चेंज बाई 3%। अगर बिजनेस में DOL 3 है, इसका मतलब है कि अगर आपके बिजनेस में सेल्स 1% में बदलता है तो आपके बिजनेस में EBIT 3% बदल जाता है, जो सेम डायरेक्शंस पे। अगर सेल्स 1% में बढ़ता है तो EBIT 3% में बढ़ जाएगा, कम होगा तो कम हो जाएगा, ठीक है? और यह भी बोला गया सर, हायर द लेवल ऑफ एफ हायर द DOL, जितना फिक्स कॉस्ट ज्यादा होता है बिजनेस में उसका ऑपरेटिंग लेवरेज या ऑपरेटिंग रिस्क भी उतना ज्यादा हो जाता है। इसके साथ साथ मैंने आपको फाइनेंशियल लेवरेज और फाइनेंशियल रिस्क के बारे में भी बताया था। लेट अस कंसीडर द जर्नी फ्रॉम EBIT टू EPS का एनालिसिस। इसके लिए मैंने आपको EPS का फॉर्मूला को पहले सिंपल तरीके से समझाया कि आप अपने बिजनेस में सबसे पहले EBIT से इंटरेस्ट को हटाओ, मतलब EBIT आपका पहला पहला प्रॉफिट जैसा है, ठीक है?
ये आपका पहला पहला जैसे प्यार होता है ना, वैसा पहला पहला प्रॉफिट है, लेकिन इस पहला प्यार प्यार पे आपका अकेला का हक नहीं है। सर क्या बात कर रहे हो, हाँ सर, बिकॉज ये जो आपका पहला पहला प्यार है ना, इस पहले पहले प्यार से आपको किसी और को भी भागीदार बनाना पड़ेगा। किसको सर, मेरा बात आपको समझ में आ रहा है? बिजनेस के लिए है ना, बिजनेस के लिए प्यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। बिजनेस का प्यार किससे होता है? प्रॉफिट से होता है। तो बिजनेस का प्यार अपने प्रॉफिट से है, लेकिन ये जो प्रॉफिट है इस पे इसका अपना अकेला का हिस्सेदारी नहीं होता है। तो उसको बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब बेसिकली जहां से भी वो लोन लिया है उस इंटरेस्ट वाले को, मतलब लेंडर को, उसका इंटरेस्ट वापस करो। तो आपको अपने प्यार को क्या करना पड़ेगा, प्यार से उसको देना पड़ेगा। फिर आप वहां से टैक्स भी दो, सरकार भी बोलेगा भाई सारा प्यार खुद खाओगे, ठीक है? सारा प्यार खुद नहीं दे सकते सर, सारा प्यार खुद को नहीं मिलेगा, तो भाई सरकार को भी टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड वाले भी आ जाते हैं, भाई वादा किया था निभाओ, ठीक है? कंपनी ने वादा किया था कि कुछ भी हो जाए मेरा रिटर्न या डिविडेंड तो फिक्स्ड है, तो डिविडेंड वाले भी आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ शेयर से अगर आप इसको डिवाइड कर देते हो तो आपको अर्निंग पर शेयर निकल जाता है, और ये अर्निंग पर शेयर पे बेसिकली इक्विटी वाले का हक होता है। अगर कुछ बचता है तो मिलेगा, नहीं बचता है तो नहीं मिलेगा। किसका? इक्विटी वाले का, ठीक है? अगर बहुत ज्यादा बचता है तो बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है सर? इसी तरह से मैं आपको DFL के बारे में भी समझाया था। हायर द इंटरेस्ट, जितना बिजनेस में इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ज्यादा होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड ज्यादा होता है, उतना बिजनेस में फाइनेंशियल रिस्क भी ज्यादा होता है। सो फाइनेंशियल लेवरेज और फाइनेंशियल रिस्क इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रिस्क अराइज ऑन एस्पेक्ट ऑफ डेब्ट या लोन, ठीक है? तो जो बिजनेस के लिए हमेशा एक चिंता का विषय होता है, चिंता का विषय इसलिए होता है जब बिजनेस स्टार्ट होता है ना सर, तो बिजनेसमैन को लगता है कि पैसा नहीं है, लोन ले लेते हैं। यू गेट द पॉइंट सर? जब बिजनेस स्टार्टिंग फेज में होते हैं, बिजनेस को लगता है कि भाई पैसा नहीं है, मतलब कैपिटल का कमती होता है, पूंजी का कमती होता है, तो बिजनेस को लगता है कि कुछ लोन उठा लेते हैं। फिर उसको पहले तो बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा था कि भाई मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, बट बाद में कॉन्फिडेंस थोड़ा सा टाइट हो जाता है, फिर वो लोन चुकाने में नाकाम हो जाते हैं। तो यही प्रॉब्लम है सर, लोन अगर ना चुकाए तो मुश्किल है ना सर? जैसे बिग बाजार का हालत देखा ना आपने, क्या हुआ? हेलो, हाँ एग्जैक्टली सर, तो ये फाइनेंशियल लेवरेज का प्रॉब्लम है। लेकिन सिर्फ बिग बाजार जैसे फेलियर हुआ है, लेकिन क्या सारा बिजनेस फेलियर होता है? आप अदानी को देखो, अदानी पोर्ट को देखो, कितना लोन लेके बैठा होता है सर, लेकिन क्या बिजनेस बढ़ रहा है उसका, ठीक है? किसी का नजर ना लगे किस पे, अदानी पोर्ट पे। सर अदानी पोर्ट पे मैं पहले भी स्टॉक मार्केट के, भी हाँ ज्यादा बोलो सर, रिच रिच हो गया है, हाँ वो वॉरेन क्या बफेट बोला? से भी ज्यादा रिच हो गया है। हाँ सर होगा ही ना। पढ़े इनके बारे में मैं लास्ट 2-3 साल से बहुत बात कर रहा हूँ, उससे भी पहले से। अगर आपको मैं 1 साल पुराना, 5 साल, 2-3 साल, मतलब जब इसका शेयर का दाम 200-250 के आसपास चल रहा था ना, प्रिया को शायद पता होगा, प्रिया काफी दिनों से स्टॉक मार्केट क्लास के साथ जुड़े हुए हैं। प्रिया कनेक्टेड हो आप? हाँ सर, अदानी पोर्ट के बारे में हम लोग बहुत दिनों से बात करे जा रहे हैं ना सर। फर्स्ट डे स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं। हाँ स्टार्टिंग से, हाँ मतलब 2020 से, 19-20 से है ना, हाँ सर, तो 2019 से बात कर रहे हैं। 19 से बात करे जा रहे हैं। तो जस्ट देखो, अगर किसी ने भी 2019-20 में भी स्टॉक इसको खरीदा है, ठीक है, 200 के नीचे भी था, ठीक है, 150-200 में था, जस्ट देखो सर क्या रिटर्न अपना रहा है। लेकिन सर अभी भी इसको खरीदने का जगह है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए बोलूंगा, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, ठीक है? मैं ज़्यादा स्टॉक एनालिसिस नहीं करूंगा अभी, बिकॉज स्टॉक एनालिसिस का क्लास तो ये है नहीं। अच्छा, स्टॉक एनालिसिस का एक क्लास में न्यू एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, प्रिया को भी बोल देता हूँ। प्रिया फ्यूचर एंड ऑप्शंस, मतलब इक्विटी डेरिवेटिव का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ कल से, ठीक है? सुबह सुबह 1 घंटा, हफ्ते में हाँ तीन, सर, ठीक है? जैसे कल कल से स्टार्ट करेंगे, कल 9, 8:30, 9 बजे से स्टार्ट होगा। मतलब मैं आपको पहले ही सबको बोल दिया, एवरी वीक 2 से 3 क्लास रहेगा। एक्चुअली कुछ जॉब का भी बहुत लोगों का नीड है, तो इसीलिए इक्विटी डेरिवेटिव के लिए मेरे को स्पेशल क्लास देना पड़ रहा है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बहुत दिनों से पढ़ रहे, तो किसी किसी को बहुत जॉब का रिक्वायरमेंट आ गया है,
तो वो लोग बहुत प्रेशर कर रहे हैं कि सर इक्विटी डेरिवेटिव पास करा दो, ठीक है, और थोड़ा समझा दो इक्विटी मार्केट डेरिवेटिव मार्केट कैसे चलता है। तो इसीलिए थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा क्लास देके मैं बहुत जल्दी जल्दी इक्विटी डेरिवेटिव कंप्लीट करूँगा। तो अगर कोई ऐसा है ना, मैं सभी को बोल रहा हूँ, मैं पहले भी क्लास में बोला था, कंपनी आज भी मेरे को कॉल किया था, मोतीलाल ओसवाल, ICICI डायरेक्ट वगैरह, फिर आपका ये कंपनी है ना बहुत फेमस म्यूचुअल फंड कंपनी है, रिलायंस निप्पॉन इंडिया, ठीक है, तो ये सब मेरे को फ़ोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कैंडिडेट भेजो, NISM क्लियर कैंडिडेट भेजो आप, ठीक है। तो मैं आपको, आप लोगों को सभी को बोला, अगर NISM म्यूचुअल फंड स्पेशली इक्विटी का सबसे ज़्यादा डिमांड है अभी, इक्विटी डेरिवेटिव का, तो अगर कोई भी ऐसा है ना सर, जो भाई हो बहन हो या स्टॉक मार्केट जॉब करना चाहता है, करियर स्टार्ट करना चाहता है स्टॉक मार्केट, या फिर कोई कोई ऐसे भी जो स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है या फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में कंपनी किस तरह से एनवायरनमेंट को चलाते हैं देखना चाहता है, हो सकता है किसी को पैसा का ज़रूरत नहीं हो लेकिन वो जानना चाहता है कि मार्केट एनवायरनमेंट कैसे काम करता है, तो वो भी जा सकते हैं जॉब करने। कोई कोई तो इंटर्नशिप भी करता है, तो मैं बोलूँगा इंटर्नशिप क्यों करना है, आप डायरेक्ट जाओ इंटरव्यू क्रैक करो और इंटर्नशिप के बदले आप जॉब करो, आपको कंपनी बैठे बैठे 15,000 फ्रेशर्स को दे रहा है, ठीक है, हाँ काम करवाएगा, मतलब फ्रेशर्स को 15-20 दे रहा है सर, ठीक है, अगर थोड़ा सा नॉलेज हो ना तो 20 प्लस भी दे रहा है, ठीक है प्रिया, अगर कोई ऐसा होगा ना आप जरूर बताइएगा, जियाउल नील सभी को बोल रहा हूँ, जिनको अर्जेंट जॉब का नीड हो, ठीक है, कंपनी मेरे को बहुत प्रेशर कर रही है, भेजो, मैं भेज नहीं पा रहा हूँ क्योंकि कोई कोई था जो पहले क्लियर किया था और कोरोना पीरियड में बहुत ज़्यादा कोई मतलब करवाया नहीं बहुत ज़्यादा लोगों को, तो जिसका पहले से था वो लोग तो ऑलरेडी कंपनी में एस्टेब्लिश है, मैं उनको क्या बोलूँ, काफ़ी ज़्यादा अभी जो स्टार्ट किया था 3-4 साल पहले 20-25 में, वो अभी 50 के आसपास कमा रहे हैं, मतलब जो सैलरी लेवल में बात कर रहा हूँ, MBA भी किया था, NISM क्रैक किया था अभी, तो मैं उनको को बोलूँगा कि फ्रेशर्स थोड़ी ना होना है, तो ठीक है अगर कोई हो तो बताइएगा। कंपनी में बस NISM क्रैक करवाना है और इसीलिए मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस और इक्विटी डेरिवेटिव का क्लास कल से स्टार्ट करूंगा, एवरी मॉर्निंग करवाऊंगा, एक घंटा रेगुलर करवाने से आई होप कि उन लोगों में जॉब के लिए रेडी कर पाऊँ, हो जाएगा ना एक घंटा डेली करवाने से, शायद हो जाएगा, वही 8:30 से 10 के बीच में, सुबह सुबह 1-1.5 घंटा रेगुलर करवाने से आई थिंक उनको रेडी कर दूंगा, ठीक है सर। स्टॉक का बात आया तो थोड़ा बता दिया सर, अच्छा तो अदानी का बात मैं क्यों उठाया था जियाउल, चल देख कि कंपनी का लोन का हालत देख, लेकिन फिर भी कंपनी कितना अच्छा काम कर रहा है, जैसे मैं बिग बाजार के बारे में, फ्यूचर ग्रुप के बारे में बता रहा था लास्ट वीक में, कि वो इतना लोन का बर्डन सहन नहीं कर पाया, लेकिन अब इसको देखो, इसका भी लोन देखो सर, बहुत ज़्यादा लोन है इसका, बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा। नील जियाउल दिखाई दे रहा है क्या, हाँ हेलो सर, दिख रहा है आप लोगों को, देखिए सर 35,000 करोड़ का लॉन्ग टर्म लोन है, 35,000 करोड़ का, शॉर्ट टर्म है 7-7.5 हज़ार करोड़ का, लेकिन एसेट देखो, करेंट एसेट से 12,000 करोड़ का, लॉन्ग टर्म एसेट से 61,000 करोड़ का, यही तो खेल है ना, लोन है बट उसके रिगार्डिंग एसेट भी है, तो चिंता का बात नहीं है, समझ रहे हैं ना सर, तो 30-40 हज़ार करोड़ का लोन है मार्केट में, ये कई बार अदानी पोर्ट के लिए एक चिंता का विषय लोग बताते हैं कि कंपनी का लोन बहुत है, यस मैं भी मानता हूँ लोन बहुत है, लेकिन इसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छा है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट सिनारियो है वो आज अदानी के हाथ में, भारत अगर अपने पैरों में खड़ा हो रहा है ना तो उसके पीछे अदानी का क्रेडिट देना पड़ेगा, बिकॉज इससे पहले ना भारत बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनी से भी पोर्ट को ऑपरेट करने का कोशिश किया, ठीक है, बहुत और भी प्राइवेट प्लेयर्स आया था सर पोर्ट बिजनेस में, टिक नहीं पाया, पोर्ट बिजनेस में और भी प्राइवेट प्लेयर्स आया था, टिक नहीं पाया, ऊपर से उन सबको खरीद लिया इन्होंने अदानी ने, पता नहीं इनका क्या स्पेशल मतलब कौन नॉलेज है जो मतलब लॉस मेकिंग कंपनीज, मतलब जो लॉस मेकिंग फील्ड था, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप जाओगे ना, ऐसे बॉर भी बहुत सारा है, ठीक है, आप देखोगे ना मतलब इनके कॉम्पिटिटर से ये बहुत आगे है, बहुत आगे हैं, सो स्पेशल क्षमता होना चाहिए,
ठीक है, GPPL आप देख सकते हैं यहाँ पर, प्राइस कॉम्पेरिजन वगैरह सब कुछ, ठीक है वो अलग बात है, लेकिन बात यही है कि कंपनी अपना लोन या फिक्स मतलब ये देखो सर, एनालिस्ट भी 91% बता रहा है कि आप परचेस कर सकते हो इसको लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। सो इसीलिए मैं भी बोला कि आप कर सकते हो इसको परचेस, पहले ही बोल दिया था, मैं देखा अभी एनालिसिस देखा इसका टिकट टैप का, आप आराम से परचेस कर सकते हो अदानी पोर्ट, सही जोन में है अभी, थोड़ा मार्केट डाउन होगा किसी कारण से ना तो और बढ़िया टाइम रहेगा, ठीक है। मतलब अगर मानो कि अभी होता है ना मार्केट लगातार 2-3 हफ्ता गिर रहा है तो उस टाइम पे खरीद लोगे तो और बढ़िया है, ठीक है। 700 में रेंज में परचेस करोगे तो भी बढ़िया है, ठीक है सर। ये सब क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज कंपनी का रिस्क मैटर को समझाने के लिए, मेरा और कोई इरादा नहीं है। तो ये फाइनेंशियल रिस्क था जो कंपनी को फाइनेंशियल लिवरेज बढ़ाता है, ठीक है। सो फाइनेंशियल लिवरेज और फाइनेंशियल रिस्क इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रिस्क अराइज ऑन अकाउंट ऑफ द यूज ऑफ डेब्ट, ठीक है। कंपनी का डेब्ट बढ़ जाएगा तो कंपनी का रिस्क बढ़ जाएगा। अब सर लास्ट में मैं आपको एक और चीज बताया था कि किस तरह से कंपनी सेल से लेके ईपीएस के जर्नी तक पहुंचते हैं, और जर्नी के पहुंचते पहुंचते कंपनी को डीओएल आता है, डीएफएल आता है, और ये डीओएल डीएफएल को हैंडल करते करते कंपनी का डीटीएल बन जाता है। तो जितना डीओएल है, डीओएल है 3, डीएफएल है 2, तो 3 × 2 कितना है 6। तो देन डीटीएल इज द इलास्टिसिटी ऑफ द ईपीएस विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, अदर फैक्टर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो जब बाकी फैक्टर कॉन्स्टेंट हो ऐसे सिचुएशंस पे, जब DTL के कारण से, DTL क्या हो गया सर, इलास्टिसिटी मेजर ऑफ किसका, अर्निंग पर शेयर का, ठीक है। तो अर्निंग पर शेयर को चेंज करने के लिए बिजनेस किस तरह से टोटल लिवरेज बना रहा है वो बहुत वाइटल मैटर होता है। जैसे यहाँ पर आपको मैंने लिखा था इफ DTL इक्वल्स टू 6, इसका मतलब ये होता है कि अगर बिजनेस का अर्निंग पर शेयर अगर बिजनेस का सेल्स 1% में चेंज होता है, अगर पॉजिटिव चेंज है तो पॉजिटिव मतलब आपका ईपीएस बढ़ेगा पॉजिटिव में, और अगर नेगेटिव होता है तो आपका ईपीएस कम हो जाएगा नेगेटिव में। समझ में आ रहा है सर बात? हेलो, जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको इसका ईपीएस दिखा देता हूँ, इसका ईपीएस देखो, अर्निंग पर शेयर 24.58 रिसेंट जो अदानी पोर्ट का अर्निंग पर शेयर है, पिछले साल 18.34 था, उससे पहले 19.27 था, उससे पहले 17.74 था। सर एक चीज तो मानना पड़ेगा, अगर कंपनी का ओनर रिच हो रहा है तो शेयर होल्डर भी तो रिच हो रहा है ना, क्या रहते हैं। अगर अदानी रिच हो रहा है, अगर अदानी रिच हो रहा है डे बाई डे, तो अदानी का शेयर होल्डर भी रिच ही होगा ना। तो इस तरह से आप सोच सकते हो, आपका विचार ऐसे आ सकता है। लेकिन सर ये तो रहा DOL, DFL और DTL का एक बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन अभी हम लोगों का खेल आगे बढ़ेगा। आगे क्या बढ़ेगा सर? चले सर आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला बताऊंगा, और उस फार्मूला के बेसिस में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल रहेगा, तो आप लोग कंसेंट्रेशन के साथ जैसे करते हैं करते रहिए। जस्ट अ सेकेंड सर, अच्छा देखिए, तो जैसे एक फॉर्मूला होता है DOL का, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का, लिखिए DOL का एक फॉर्मूला लिखिए सर। फॉर्मूला को थोड़ा मैं एक्सप्लेन करके भी लिखूंगा, ठीक है, आप हेडिंग कर दीजिएगा सर फॉर्मूला बोल के। नील का आवाज नहीं आ रहा है, नील समझ आ रहा है? नील सर, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर सर क्या मतलब है इसका? चलो मतलब ही तो बताना है और काम ही क्या है। वेयर न्यूमरेटर इक्वल्स टू प्रॉफिट जस्ट बिफोर F मतलब प्रॉफिट जस्ट बिफोर F मतलब फिक्स कॉस्ट। तो क्या आप मुझे बता सकते हो सर फिक्स कॉस्ट से पहले क्या प्रॉफिट होता है?
या मतलब ऐसा बोलो कि सर फिक्स्ड कॉस्ट से पहले कंपनी अपना फिक्स्ड एक्सपेंस को माइनस करने से पहले कंपनी का जो प्रॉफिट दिखता है उसको क्या कहा जा सकता है? जाउल, ट्राइकर, प्रिया बोलो। प्रॉफिट जस्ट बिफोर एफ, एफ मतलब फिक्स्ड कॉस्ट, जो आपको मैंने पहले से ही फॉर्मूला में बता के रखा। मेरा सवाल ये है कि सर Q माइनस Q इंटू P माइनस V माइनस F, F मतलब फिक्स कॉस्ट है, तो मैं जस्ट आपको यही पूछ रहा हूँ कि जब बिजनेस का फिक्स्ड कॉस्ट से पहले का प्रॉफिट है उसको क्या बोलेंगे? हाँ सर, ट्राई तो करो। सर सेल्स, अच्छा बिजनेस का प्रॉफिट कैसे आता है प्लीज टेल मी। इनकम स्टेटमेंट ओपन कर रहे हैं सर, ये सेल है, रेवेन्यू एरिया, ठीक है। जैसे 2021 में इसने 15,000 करोड़ का रेवेन्यू कमाया, अब रेवेन्यू से बिजनेस जब अपना फिक्स्ड एक्सपेंस को हटाएगा, वेरिएबल एक्सपेंस को हटाएगा, तो बिजनेस को एक प्रॉफिट आता है कि नहीं आता प्लीज टेल मी। जैसे कि रॉ मटेरियल, पावर एंड फ्यूएल, एम्प्लॉई कॉस्ट, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस, इसको हटाने के बाद बिजनेस के पास एक EBITDA आया कि नहीं आया? तो फिक्स्ड कॉस्ट के पहले का प्रॉफिट। हेलो, क्या आप लोगों को बात समझ में आया? सर सेल से ये सब क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। तो बिजनेस जब सेल से अपना वेरिएबल कॉस्ट को हटाया तो बिजनेस को क्या मिला बेसिकली? याहुल, कंट्रीब्यूशन ना रे। हाँ सर, एक्चुअली मेरे घर में बच्चे लोग परेशान कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, बच्चा थोड़ा परेशान करेगा तो इतना घबरा क्यों रहा है? बच्चा लोग ऐसा ही करता है थोड़ा। ठीक है सर, तो बेसिकली क्या हो गया सर? प्रॉफिट जस्ट बिफोर एफ का मतलब ही हो गया कंट्रीब्यूशन, ठीक है। मतलब अभी तक आपने अपना फिक्स्ड एक्सपेंस को हटाया नहीं, तो आपको क्या मिला? ये बेसिकली बिजनेस का डे टू डे अर्निंग है, डे टू डे अर्निंग, जिसको आप कंट्रीब्यूशन बोल सकते हो। मतलब आप डेली दुकान ओपन करके बैठते हो, डेली आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ आता रहता है। जो भी खर्चा मैंने आपको एक दिखाया, बड़ा बिजनेस होगा तो ऐसा खर्चा होता है, छोटा बिजनेस में भी इसी कैरेक्टरिस्टिक का ही खर्चा होता है। उसको हटाओ, वेरिएबल खर्चा को हटाओ, तो जो प्रॉफिट आपको दिखेगा दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। बड़ा सिंपल बात है। तो ऐसे बोलेंगे कि प्रॉफिट जस्ट बिफोर एफ, ठीक है। अच्छा, ये रहा न्यूमरेटर, ठीक है। अब बात करते हैं सर डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर, सर डिनोमिनेटर क्या काम करेगा? सर डिनोमिनेटर इज लाइक प्रॉफिट जस्ट आफ्टर, प्रॉफिट जस्ट आफ्टर एफ, मतलब बिजनेस के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट का प्रॉफिट जस्ट आफ्टर एफ, मतलब बिजनेस के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट के बाद का प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट जस्ट आफ्टर एफ क्या बोलेंगे इसको? फिक्स्ड कॉस्ट हटाने के बाद आपके बिजनेस में जो प्रॉफिट दिखता है उसको क्या बोलेंगे? वही तो प्रॉफिट है। हाँ प्रॉफिट है, बट हाँ थैंक यू सर, वही पूछ रहा हूँ। प्रॉफिट तो है, बट उस प्रॉफिट का एक नाम है जिसका नाम है EBIT। थैंक यू सर। अब देखो, आपको भी फॉर्मूला रटने का जरूरत ही नहीं है, आपको मैंने डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों बता दिया। अब अभी मुझे बता दो कि DOL का क्या फॉर्मूला रहेगा? सिंपली पूछे तो कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, और थोड़ा फॉर्मूला ओरिएंटेड वे में बोले तो कंट्रीब्यूशन के जगह क्या लिखोगे? क्यू इंटू पी माइनस वी, है ना, और नीचे EBIT के जगह क्या लिखोगे? क्यू इंटू पी माइनस वी माइनस एफ, बन गया फॉर्मूला। और क्या? प्रॉफिट जस्ट बिफोर फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट जस्ट आफ्टर फिक्स कॉस्ट। तो प्रॉफिट जस्ट बिफोर फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दो प्रॉफिट जस्ट आफ्टर फिक्स कॉस्ट से, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, ठीक है। ये DOL का फॉर्मूला है, याद रखिएगा, एकदम दिमाग में घुसा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये सब फॉर्मूला से बहुत अलग अलग तरह का सवाल हो सकता है। लेट अस एनालाइज द फॉर्मूला। बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ सर बिजनेस का, ध्यान से समझिएगा।
we can already see that higher the level of F, higher the level of F, जितना business में fixed expenses ज़्यादा रहेगा उतना business में higher the operating leverage, उतना business में operating leverage क्या रहेगा सर, ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा point में आ जाते हैं, since DOL is an elasticity measure, DOL is an elasticity measure, it is different at different levels of Q, Q matlab sales. Point to be noted sir, since DOL is an elasticity measure, it is different at different levels of Q. Q means sales. Matlab kya ho gaya, DOL ka kya hai, ye ek elasticity measure hai. Matlab business mein profit badega, kam hoga, sale bad raha hai, kam ho raha hai, theek hai. To DOL ka kya matlab ho gaya, elasticity measure, it is different at different level of Q. मतलब अगर बिजनेस का सेल डिफरेंट अलग अलग रहेगा तो बिजनेस में ऑपरेटिंग रिस्क भी अलग अलग रहेगा, ठीक है। आगे आगे और समझ में आ जाएगा सर। लेट अस डिफाइन दी ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है सर। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट का क्या खेल है, मैं आपको अभी समझा देता हूं। ऐसे तो ब्रेक इवन पॉइंट का क्या मतलब जानते हैं आप लोग, नो प्रॉफिट, प्लीज टेल मी सर, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन ना। तो यहां पर बात सिर्फ प्रॉफिट और लॉस के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, बिजनेस रिस्क का मैटर है। तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, या फिर आप ऐसे बोलो कि सर ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, सर व्हाट इज ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। एक होता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, मैं आपको धीरे धीरे बात करता हूं, हड़बड़ी नहीं समझो सर। तो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट को हम लोग एक नाम देंगे, क्या नाम देंगे सर, क्यू स्टार। नॉर्मल सेल्स पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्यू, ऑपरेटिंग लेवल ब्रेक इवन पॉइंट के लिए जो सेल चाहिए उसको क्यू स्टार से डिनोट करेंगे, थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए ना, तो इसीलिए क्यू स्टार से। तो Q स्टार का क्या मतलब है सर, Q स्टार का मतलब है इट इज द लेवल ऑफ, इट इज द लेवल ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन्स सेल्स, हाँ, एट विच EBIT equals to zero. Point to be noted, sir. मतलब हम लोग EBIT, हम लोग Q star के बारे में बात कर रहे हैं। Q star क्या है? Q star is a operating break even point. Q star is a operating break even point. Sir, operating break even point या Q star का क्या मतलब हो गया? It is the level of quantity. मतलब business ये उस point पे sell कर रहा है जहाँ पर business का profit क्या है? EBIT क्या है? Zero. Business का EBIT क्या है? जीरो। मतलब आपका सेल तो हो रहा है बट अभी भी आपका ईबीआईटी जीरो में आया। जीरो में मतलब नेगेटिव से बेहतर कि खराब? नेगेटिव से बेहतर, ठीक है। आप लॉस मेकिंग से तो बेहतर हालत में हो, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको पेटीएम के बारे में बताऊं, ₹197 कम्युनिकेशन, इसका फाइनेंशियल्स देखते हैं सर। ये स्टॉक मार्केट में जब से आया है उसके बाद इसका बस धड़ाधड़ गिरते ही गया है। लोगों का कितना, लोगों का जो दिल तोड़ा ये कंपनी, ठीक है, रिसेंट ट्रेंड में, मैं आपको क्या बताऊं सर। लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगता है
कि उम्मीद पे दुनिया कायम है और इसका कुछ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट फ्यूचर में दिखाई दे रहा है, क्योंकि पेटीएम एक पेमेंट बैंक है और डे बाई डे भारत का जो फ्यूचर बैंकिंग सिस्टम है वो डिजिटल बैंकिंग सिस्टम रहेगा और फ्यूचर बनेगा सर। तो इस फ्यूचर को नज़र में देखते हुए पेटीएम के पास बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण पेमेंट बैंक होने के कारण, आरबीआई लाइसेंस प्राप्त बैंक होने के कारण पेटीएम का एक अलग ही फ्यूचर है, ठीक है। लेकिन अभी इसके बिजनेस पे लोगों को उस तरह से प्रॉफिट तो अभी भी नज़र नहीं आया, ठीक है। तो इसीलिए बिजनेस का हालत देखिए आप कि क्यों बहुत सारे लोग इसके ऊपर फेथ नहीं कर पाया और शेयर सेल करके निकल गया, ठीक है। तभी 2000 का इस मतलब LIC से पहले 18000 करोड़ के लिए आया था और उठाया, लेकिन डील तोड़ दिया लोगों का, क्योंकि कंपनी के साथ शेयर होल्डर टिका नहीं। क्यों नहीं टिका? बिकॉज इसका मेन रीजन है कि ये कंपनी, हाँ एक बात है, अभी अगर कोई ये शेयर खरीदना चाहता है तो जरूर खरीद सकता है, लेकिन फंडामेंटल पे बिलीव होना चाहिए। जैसे कंपनी का अगर आप रेवेन्यू देखोगे, पॉइंट बी नोटेड, हाँ रेवेन्यू देख पा रहे हैं ना सर? कंपनी का रेवेन्यू जनरेशन स्टेज देखो सर, हेलो, अगर आप लोग देखोगे ना तो समझ में आएगा। क्यू रेवेन्यू जनरेशन का मतलब है क्यू का एरिया देखो। 2012 में 241 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, ठीक है। 2013 में 228, 14 में 209, 15 में 336, 16 में 944, 17 में 1405, 18 में 3292, 19 में 3628, 20 में 3538 एंड 21 में अभी तक का 3187, ठीक है। 3187 करोड़ का इसका रेवेन्यू जनरेशन हुआ है। अगर आप इसका खर्चा देखो तो यहाँ पर इसका EBITDA आया है, ठीक है, मतलब खर्चा लेस करने के बाद, मतलब मटेरियल कॉस्ट ऐसा कुछ है नहीं इसका। इसका मेनली जो खर्चा लगता है वो स्किल्ड एम्प्लॉय के पीछे खर्चा हो जाता है, ठीक है, बिकॉज टेक्निकल नॉलेज वाले लोग चाहिए इनको, मैन पावर ह्यूमन रिसोर्स में इनका बहुत खर्चा है। 1184 करोड़ का इनका एम्प्लॉय कॉस्ट है, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन में 943 का है और बाकी अदर एक्सपेंस में 2540 करोड़ का एक्सपेंसेस है। तो अभी खर्चा ज़्यादा है, हेलो, अभी खर्चा ज़्यादा है, इसीलिए तो प्रॉफिट क्या दिख रहा है, फिक्स कॉस्ट से पहले का प्रॉफिट, प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रिया, नील, लॉस है, थैंक यू दिया, 1400 करोड़ का लॉस में है सर। उसके बाद और लॉस बढ़ रहा है बिकॉज PBIT, फिर PBT, फिर नेट इनकम, लॉस बढ़ता गया। कंपनी का अर्निंग पर शेयर अभी नेगेटिव में है, 280 टाका नेगेटिव, ठीक है, लेकिन पहले से बहतर हुआ है, और नेगेटिव था 481 था, वहां से नेगेटिव में 280 आया है। जिस दिन इसका EPS जीरो लेवल में आएगा, ठीक है, वो ब्रेक इवन EBIT होगा, ठीक है, वैसा ही बात कर रहा हूँ सर, ठीक है। जिस दिन इसका रेवेन्यू जिस दिन इसका मतलब EBIT, मैं इतना बोलना चाहता हूँ, जिस दिन उसका EBIT जीरो लेवल में आएगा, ठीक है, उसको ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे, ठीक है, मतलब बिजनेस अपने आप को ऑपरेट करके ब्रेक इवन पॉइंट में लाया, जिस दिन इसका EBIT जीरो होगा। समझ में आया बात सर? आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, एकदम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है बिजनेस का, ठीक है। देखो सर किस तरह से डे बाई डे इसका इम्प्रूव हो रहा है ना, है ना, 4000 से 2900, 2900 से 1600। अब नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ऐसे एनालिस्ट का मानना है सर कि 2026 में जाके ये प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है, 2026 में जाके ये प्रॉफिटेबल होगा और उसके बाद इसका फ्यूचर बहुत स्ट्रांग माना जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं आगे आगे क्या करता है विजय शेखर शर्मा, ठीक है। बिजनेस के साथ यही तो बात है ना सर, कभी किसी का टाइम है तो कभी किसी का टाइम नहीं है, बट सर फ्यूचर है इसका, लेकिन रिस्क भी है बिकॉज मार्केट में कॉम्पिटिटर भी आ रहा है इसका, ठीक है। लेकिन हाँ, पेमेंट बैंक में टेक्नोलॉजिकल वे में अगर देखा जाए, पेमेंट बैंक लाइसेंस में बहुत ज़्यादा कोई नहीं है, ठीक है, हार्डली, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक एक है, ठीक है, लेकिन ब्रांचेस के हिसाब से, इसके हिसाब से पेटीएम बहुत आगे है। और भी कुछ कंपनीज को RBI लाइसेंस दे के लाना चाहते हैं, अब देखो कॉम्पिटिशन में क्या हालत होता है, देखने लायक सिचुएशन हो सकता है सर, है ना।
देखने लायक सिचुएशंस हो सकता है। ठीक है सर, तो चलो सर वापस आ जाते हैं कॉन्सेप्ट में। प्रैक्टिकली तो समझ आ गया कि कंपनी का वो सिचुएशन जहां पर आपका क्वांटिटी मतलब सेल्स इतना हो जहां पर आपका एबीआईटी जीरो हो जाए, उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। हर कंपनी का सपना होता है स्टार्टअप का, ठीक है, स्टार्टअप का सपना है। 2012 से विजय शेखर शर्मा का सपना चल रहा है सर, याद नहीं तो कल ब्रेक इवन पॉइंट में आएंगे, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन में अभी तक नहीं पहुंच पाए। 10 साल हो गया, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, जैक मा, वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर्स भी है इनके साथ, ठीक है। एक बात सर, पेटीएम पेटीएम का एक है ना सर, पेटीएम मॉल बोल के एक है ना शॉपिंग ऑनलाइन है ना, उसमें से अलीबाबा का हटा दिया सर, ठीक है, पेटीएम मॉल से अलीबाबा अपना स्टेक होल्डिंग हटा दिया, सेल कर दिया 42 करोड़ में। बॉडी आज का ही डिटेल्स है, 42 करोड़ में 43% स्टेक पेटीएम मॉल से हटा दिया। पेटीएम मॉल बेसिकली अभी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैटर में फोकस कर रहा है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है, आप चाहो तो डिटेल्स पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, कि पेटीएम मॉल किधर जा रहा है, जो पेटीएम का ही एक अंडर में चलने वाला एक बिजनेस है। ठीक है, ये सब तो कुछ समय के साथ साथ चलते चलते अपडेट हो जाते हैं। आगे बढ़ो सर, सर कहाँ जाए, सर कुछ नहीं लिखो। अब सर आपको मैं जो बताने जा रहा था, ईवीआईटी जीरो तो आपने समझ गया, तो फिर फॉर्मूला कैसे होगा, क्यू स्टार लिखिए सर, क्यू स्टार, हाँ क्यू स्टार मतलब ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, क्यू स्टार इंटू पी माइनस वी माइनस एफ इक्वल्स टू जीरो, है ना। मतलब अगर मैं Q स्टार को इस तरह से लिखूं, ठीक है, Q स्टार इट इज द लेवल ऑफ क्वांटिटी एट विच ईवीआईटी इज जीरो, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि Q स्टार इंटू पी माइनस वी माइनस एफ इक्वल्स टू जीरो। अगर हम यहाँ से Q स्टार को अलग करें, सिर्फ Q स्टार को अलग करें, तो फॉर्मूला क्या निकलेगा, Q स्टार इक्वल्स टू इस एफ को इधर ले लेते हैं, माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये पी माइनस वी इक्वल के इधर इंटू में है, इसको डिवाइड इक्वल के इस पार लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो Q स्टार का क्या फॉर्मूला हो गया सर, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या बोलो, P माइनस V मतलब सर प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या होगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है, प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, ये टोटल कंट्रीब्यूशन नहीं पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है, तो फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करोगे तो आपको ब्रेक इवन ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला पता चल जाएगा। तो आपको दोनों एंगल से बता दिए, एक आपका कैलकुलेशन वे में और दूसरा आपका टोटल वे में, ठीक है सर। ये सब काम कब आएगा, अभी आएगा, रुको रुको जरा, अभी आ जाएंगे। अच्छा अब कुछ पॉइंट है सर, एट क्यू स्टार डीओएल इज, एट क्यू स्टार डीओएल इज अनडिफाइंड, ठीक है, क्यू स्टार में डीओएल क्या है, ऑपरेटिंग लिवरेज अनडिफाइंड है, एट क्यू ग्रेटर देन क्यू स्टार, सर पॉइंट टू बी नोटेड, सर क्यू मतलब नॉर्मल सेल, क्यू स्टार मतलब ब्रेक इवन सेल, ठीक है, तो सर अगर नॉर्मल सेल ब्रेक इवन सेल से ज्यादा हो जाए तो ऑपरेटिंग लिवरेज का क्या होगा, बता सकता है, ये एमसीक्यू सवाल पूछता है सर। अगर आपकी बिजनेस पे नॉर्मल सेल ब्रेक इवन सेल से ज्यादा हो जाए, मतलब ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा हो जाए, तो फिर आपका बिजनेस का डीओएल क्या होगा, सर डीओएल इज पॉजिटिव। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से पूछ लेना, मैं फिर से समझा दूंगा। एट क्यू लेस देन क्यू स्टार अगर बिजनेस का नॉर्मल सेल्स ब्रेक इवन सेल से कम हालत में है तो बिजनेस का डीओएल क्या होगा,
नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड, क्यू स्टार में जब आपके बिजनेस में क्यू स्टार है, मतलब आपका क्या बताऊं सर आपको, मतलब आप इतना सेल कर लेते हो, जैसे अगर मैं पेटीएम मॉल से ही आपको एग्जांपल बताऊं, पेटीएम मॉल इतना रेवेन्यू जनरेट कर लेता है कि बिजनेस के पास ईबीआईटी क्या है, जीरो है, जीरो नेगेटिव नहीं है, जीरो है। तो सर जब बिजनेस में प्रॉफिट जीरो है, आप बिजनेस के बारे में क्या डेफिनेशन दोगे, बिजनेस के रिस्क के बारे में क्या बताओगे, रिस्की है या लेस रिस्की है या मोर रिस्की है, क्या बताओगे, प्लीज टेल मी सर। जिस बिजनेस में रेवेन्यू जितना आ रहा है उसके कारण बिजनेस में ईबीआईटी या पीबीआईटी जीरो है, तो जब जीरो पीबीआईटी या ईबीआईटी है, आप बिजनेस को रिस्की बोलोगे, ज्यादा रिस्की बोलोगे कि कम रिस्की बोलोगे कि अनडिफाइन बोलोगे, क्या बात समझ में आ रहा है जियाउल? प्रिया बोलो। हाँ मतलब बिजनेस में तो प्रॉफिट जीरो है, आप इतना सेल कर लेते हो कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट जीरो में है, तो ऐसे हालत में ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड है ना। लेकिन आप इतना सेल कर लेते हो कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा सेल कर लेते हो, मतलब ब्रेक इवन सेल्स जितना होना चाहिए, जैसे अभी पेटीएम ब्रेक इवन सेल्स में पहुंचा है क्या? नहीं, नहीं। तो जिस दिन पेटीएम को ब्रेक इवन सेल्स में पहुंचना होगा, जिस दिन पेटीएम को ब्रेक इवन सेल्स में पहुंचना होगा, तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, अगर बिजनेस को पॉजिटिव देखना है, अगर आप पेटीएम को पॉजिटिव देखना चाहते हो, इसके शेयर में ग्रोथ देखना चाहते हो, फंडामेंटल समझो, ये सब बात फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है सर। जिस दिन आप चाहोगे कि भाई पेटीएम को मैं पॉजिटिव देखना चाहता हूँ, मतलब ये 585 ये 2000 में लिस्टेड हुआ था, ठीक है, 2000 से ये धड़ाधड़ गिर रहा है सर, लास्ट दो तीन महीने से धड़ाधड़ गिर रहा है, ठीक है। अगर पेटीएम, अगर जैसे एक एनालिस्ट है सर मैकावरा बोल के, एक फेमस ऑस्ट्रेलियन एक फाइनेंशियल फार्म है, ठीक है, सिर्फ उसी ने बोला था कि इसका शेयर गिरने वाला है, बाकी बहुत ही बड़े बड़े फार्म है सर और भी यूएस बेस्ड, उन लोगों का मानना था कि पेटीएम लॉन्ग टर्म में बहुत दूर जा सकता है, मैं भी मानता हूँ, अभी भी मानता हूँ कि लॉन्ग टर्म में ये बहुत दूर जा सकता है, लेकिन सर करेंट सिचुएशन के हिसाब से देखते हुए, मार्केट ट्रेडिंग इमोशंस को देखते हुए, ये शेयर अभी धड़ाधड़ गिर ही रहा है, लेकिन बहुत दिनों से इसी लेवल में घूम रहा है सर, इसी लेवल में बहुत दिनों से घूम रहा है, 500 550 600 550 550 600, लेकिन ये ब्रेक करके निकलना होगा, 1000 के उस पार जाना होगा, अगर 1000 के उस पार जाना है, 2000 के उस पार जाना है, तो इसके लिए फाइनेंशियल्स में चेंज लाना पड़ेगा ना, लेकिन वो चेंज लाने के समय है, अभी 22 चल रहा है, 25-26 लगेगा, है ना, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखो आप बिजनेस का, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखो बिजनेस का, सेल्स में इम्प्रूवमेंट देखो, ठीक है, रेवेन्यू जनरेशन में इम्प्रूवमेंट देखो, खर्चा देखो, ठीक है, तब जाके आप समझ पाओगे कि कब जाके बिजनेस प्रॉफिट, मतलब इसका पीबीटी जो है, ठीक है, पीबीटी जीरो होगा या पीबीआईटी जीरो होगा, पीबीआईटी, ठीक है, पीबीआईटी जीरो होगा, इसका मतलब यह है कि जिस दिन जाके पेटीएम का सेल्स ब्रेक इवन सेल से ज्यादा होगा, ठीक है, मैं से फॉर एग्जांपल ये 3187 चल रहा है, मैं मान के चलता हूँ कि जिस दिन ये 5000 हो जाएगा, 5000 करोड़ हो जाएगा, उस दिन इसका ईबीआईटी जीरो हो जाएगा, पॉइंट बी नोटेड सर, एक जस्ट से फॉर एग्जांपल, अगर सेल 5000 करोड़ का हो जाता है तो बिजनेस जीरो में आ सकता है, लेकिन अगर बिजनेस को प्रॉफिटेबल करना है तो क्या 5000 में काम बनेगा कि उससे भी ज्यादा बनाना पड़ेगा, 5500-6000 करना पड़ेगा सेल को। हाँ हेलो, क्या बात समझ में आ रहा है सर? हाँ मतलब डबल होना पड़ेगा, अगर आज पेटीएम 3187 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता है, अगर वो 6000 करोड़ रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, तो जाके बिजनेस पॉजिटिव सिचुएशंस में जाएगा, और पॉजिटिव सिचुएशन में जाने के लिए बिजनेस को पॉजिटिव लेवरेज लेना पड़ेगा, मतलब रिस्क है बट रिस्क पॉजिटिव है, मतलब रिस्क लेके अगर आप पॉजिटिव हो तो अच्छा है ना, जैसे एक एक, 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 एक फेमस एडवर्टाइजमेंट है, दाग लगा है वो सर्फेक्स सेल का, बट दाग अच्छा है, क्यों? क्योंकि सर्फेक्स सेल से इजीली उठ जाएगा, है ना, तो लोन लिया है, इंटरेस्ट है, फिक्स्ड खर्चा बहुत ज्यादा है, बट कोई बात नहीं, बट फिक्स्ड एक्सपेंस आप इजीली उठा सकते हो,
इजीली आप सेल को बढ़ा सकते हो या जो भी हो, ठीक है। तो बेसिकली कहना यही है सर, यही आपका समझने वाला पॉइंट था कि किस तरह से बिजनेस अपना प्रॉफिट को बढ़ा पाएगा, रेवेन्यू को बढ़ा पाएगा और अपना प्रॉफिट को जीरो लेवल में ला पाएगा या जीरो क्रॉस करके जा गया, तो उसके लिए इसका DOL को पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अभी का अगर आप मुझे पूछ, अगर आपसे मैं पूछता हूँ क्या लगता है पेटीएम का DOL, मेरे को ऑब्वियसली नेगेटिव ही दिख रहा है ना सर। ऐसे तो ये DFL के मैटर में ज़्यादा बोला हुआ है, लेकिन DOL भी इसका नेगेटिव सिचुएशंस में ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। सो DOL इज जीरो अनडिफाइंड जब Q स्टार DOL इज अनडिफाइंड, जब Q स्टार से ज़्यादा हो जाएगा इट्स अ वेरी गुड सिचुएशन फॉर द बिजनेस, तब DOL पॉजिटिव माना जाएगा। और जब क्यू मतलब नॉर्मल सेल्स जब ब्रेक इवन ऑपरेटिंग ब्रेक इवन सेल से कम रहेगा तो DOL इसका नेगेटिव रहेगा। समझ में आया ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट की एनालिसिस? अगर समझ में आ गया, अगर ना भी आया हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, थोड़ा और समझ आ जाएगा। सर लिखिएगा द ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट BEP, हाँ ऑपरेटिंग BEP ऑफ ए फार्म, ऑपरेटिंग BEP ऑफ ए फार्म इज 10,000 यूनिट्स, ठीक है। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ ए फार्म इज 10,000 यूनिट्स, इट्स ठीक है, इट्स ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, इट्स ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट इज 5 लाख, कैलकुलेट करने बोला सर आपको DOL when Q 25,000 units। चलो आपका फाइनेंस का दिमाग यूज करो और हमें DOL बताओ। रिया जियाउल समझ में आया? बताओ सर, अपना फाइनेंशियल नॉलेज को यूज करो और बताओ सर क्या जवाब होगा। नील का आवाज नहीं आ रहा है। क्वेश्चन तो लिख लिया होगा ठीक से, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ अ फार्म, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट बता दिया 10,000 यूनिट्स, इट इज ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट इज 5 लाख, कैलकुलेट DOL व्हेन Q इक्वल्स टू 25,000 यूनिट्स। कैसे करोगे? सर पहले जो पता है ना उसको पुट करो, क्या आपको क्यू स्टार पता है? सर क्यू स्टार मतलब, क्यू स्टार का मतलब ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट है ना, बिजनेस का ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। किस पॉइंट में बिजनेस का ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट आता है मतलब समझो सर, मतलब कितना यूनिट सेल करने से बिजनेस का ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है? 10,000 यूनिट सेल करने से बिजनेस को ऑपरेटिंग ब्रेक इवन हो जाता है, मतलब EBIT जीरो हो जाता है, ठीक है। तो आपको जो पता है वो पुट करो, क्यू स्टार इक्वल्स टू व्हाट? फिक्स कॉस्ट बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो व्हाट डू यू नो सर, व्हाट यू ऑलरेडी नो, यू नो क्यू स्टार क्या है? 10,000 यूनिट्स, ठीक है सर। फिक्स कॉस्ट, यू नो फिक्स कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में 5 लाख। थैंक यू जियाउल, यू नो फिक्स कॉस्ट। सर डू यू नो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? यू डोंट नो, सो जस्ट लिव इट सेम। क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। पी माइनस भी कितना हो जाएगा? 50। हेलो टेल मी सर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट
पी माइनस बी मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो गया 50, ठीक है सर। आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल गया, अब आपको क्या चाहिए, यूनिट डीओएल। सो डीओएल का फॉर्मूला क्या है, डीओएल का फॉर्मूला क्या है सर, डीओएल का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं है, कंट्रीब्यूशन टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, है ना। अब क्या आपको कंट्रीब्यूशन पता है, नहीं है, बट आप कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, Q इंटू पी माइनस वी। ईबीआईटी का फॉर्मूला क्या है, Q इंटू पी माइनस वी माइनस एफ, है ना सर। कहाँ से लाए सर, याद करो वो दिन जिस दिन मैंने आपको ये फॉर्मूला सिखाया था, ये देखो याद आया, सिंपल इनकम स्टेटमेंट से उठाया गया, मनगढ़ंत नहीं है, ठीक है, मैंने मेरा मर्जी मैं उठा दिया ऐसा नहीं है, इनकम स्टेटमेंट का एक टेक्निक है लिखने का, वहीं से इसको उठा दिया गया और कुछ नहीं, Q इंटू पी माइनस वी और Q इंटू पी माइनस वी माइनस एफ, ठीक है। तो जस्ट मैंने इसको यहाँ पर क्या किया, जगा दिया और क्या गया? तो Q इंटू पी माइनस वी डिवाइडेड बाई Q इंटू पी माइनस वी माइनस एफ। अब आपको यहाँ पर क्या क्या पता है, जो पता है उसको पुट करो ना, क्या आपको Q पता है सर, देखो 25,000 यूनिट आपको पता है, आपका सेल कितना है, ब्रेक इवन पॉइंट नहीं, सेल, आपका बिजनेस में सेल है 25,000 यूनिट्स, तो यू नो योर 25,000 यूनिट्स आपका बिजनेस में सेल है, तो 25,000 इंटू पी माइनस भी कितना, अभी अभी निकाले 50, थैंक यू सर, डिवाइडेड बाय 25,000 50 इंटू 50 माइनस 5 लाख, माइनस 5 लाख, थैंक यू सर, ऊपर वाला आ रहा सर 12,50,000 ऊपर 12,50,000 नीचे का 7,50,000 डिवाइड करके फ्रैक्शन में कितना आएगा, मतलब पॉइंट में बता दो सर, पॉइंट में बता दो, मीन्स 12,50,000 डिवाइडेड बाई 7,50,000 सर 1.666, ठीक है, मतलब 1.67 है ना, हाँ ठीक है, तो 1.67 यही है आपका DOL, आपको बोला था ना पहले दिन ही बोला था, ये भी वही दिन बोला था कि DOL का कुछ इस तरह का आंसर आता है, ठीक है, DOL का आंसर कुछ इसी तरह से आता है, मैं आपको बोला था कि DOL इक्वल्स टू 3, ठीक है, अभी आपने कैलकुलेट करके देख दिया कि DOL इक्वल्स टू 1.67, सो व्हाट इट मीन्स, व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या, इकोनॉमिक्स का नॉलेज याद करो, ठीक है, कोई भी नॉलेज खाली नहीं जाता, बस पढ़ने के टाइम पे पढ़ लिया जाता है, ठीक है, नॉलेज हमेशा काम आता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इफ प्राइस चेंज बाई 1% देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेंज बाई 2% 3%, है ना, इलास्टिसिटी का भी अलग अलग पार्ट होता था, हाईली इलास्टिक, इन इलास्टिक, हाँ सर, मोर देन इलास्टिक, लेस देन इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, इन्फिनिटी, जीरो, याद आ रहा होगा बचपन, या फिर जब आप लोग फाउंडेशन में स्कूल में कॉलेज में इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, सीए वाले को तो इंटर में भी पढ़ना पड़ता है, इट मींस दैट इट सेल्स चेंज बाय 1%, ईवीआईटी विल चेंज बाय 3% इन द सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पर भी आपको मतलब बताना पड़ेगा, तो क्या मतलब निकल के आया सर, आपका डीओएल आया 1.67, इसका मतलब भी लिख लो, क्या लिखोगे मतलब, If quantity मतलब sales change by 1%, अगर business में sale 1% में बदलता है, then EBIT कितने में बदलेगा,
1.67%. थैंक यू सर. इन दी सेम डायरेक्शन है ना, यही तो है और क्या. अच्छा लगा, समझ में आया क्वेश्चन? बताओ सर, क्वेश्चन क्लियर है ना? हाँ सर. चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं. सर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं. सर सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 200, वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू 60%. सर ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट 40,000 यूनिट्स, कैलकुलेट DOL इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कॉस्टिंग वाला फीलिंग्स आ रहा होगा. मार्जिन ऑफ सेफ्टी कॉस्टिंग में भी पढ़ाया जाता है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज मार्जिनल कॉस्टिंग. हाँ सर, मार्जिनल कॉस्टिंग में ये सब बात होता है. 20,000 यूनिट्स. बोलो बोलो सर बोलो. DOL कैलकुलेट करो, DOL कैलकुलेट करो. नील सेलिंग प्राइस इज 200, वेरिएबल कॉस्ट इज 60%, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इज 40,000 यूनिट्स. ठीक है, कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 20,000 यूनिट्स. सर क्या करना है, जब भी ऐसे सवाल आ जाएगा ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना. क्या करना है, जो पता है उसके रिगार्डिंग फार्मूला को ढूंढो. आपको DOL पूछा है तो DOL के लिए क्या फार्मूला चाहिए आपको? DOL का फार्मूला जो आपको मैं शुरू से लिखा के जा रहा हूँ, आपको सबसे पहले DOL का फार्मूला में कंट्रीब्यूशन बाई EBIT तक पहुँचना है. अब कंट्रीब्यूशन बाई EBIT तक पहुँचने के लिए आपके पास जो डेटा अवेलेबल है, अगर आपको ऑपरेटिंग BEP का डेटा अवेलेबल है तो आप उसी से पहुँचने का कोशिश करो. ठीक है, वट एवर यू हैव जस्ट ट्राई टू रीच बाई दैट पर्टिकुलर कंटेंट. ठीक है, वट एवर यू हैव, जो भी आपको मिल जाता है उसके साथ पकड़ के रहो और जहाँ पहुँचना है उसके पास जाने का कोशिश करो. सर आपको क्यू स्टार पता है ना? ऑपरेटिंग BEP, ये लैंग्वेज जो सुन रहे हो ना, कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है. कॉन्सेप्ट भूल जाओगे तो जवाब नहीं दे पाओगे. क्यू स्टार कितना है? 40,000, दैट इज ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट. क्यू स्टार का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. जो पता है उसको पुट करो. क्यू स्टार के जगह 40,000 पुट करो, एफ के जगह कुछ ना करो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के जगह कितना होना चाहिए? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होना चाहिए? 40 होगा. सेलिंग प्राइस इज 200, वेरिएबल कॉस्ट इज 60%, इससे माइनस करने से तो 40 आ रहा है. माइनस करने से 40 हो जाएगा. मतलब मेरा कहने का मतलब है सेल प्राइस अगर 200 है, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट अगर 60% है तो 200 का 60% कितना? 120. तो 200 से 120 हट जाएगा तो 80. गलती से हम ये बोल दे, कोई बात नहीं. तो सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू हो गया कंट्रीब्यूशन. ठीक है, ये सब क्या है? यूनिट में है. ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस में ही पता चल गया आपका पी माइनस बी 80. तो फिक्स कॉस्ट क्या होगा?
इंटू कर दो 5,032,32 लाख 32 लाख ठीक है ना, ये आपका फिक्स कॉस्ट है, हो गया। अच्छा और क्या करना है सर, आपको फिक्स कॉस्ट भी मिल गया। DOL में कहाँ जाना है भाई, जाना कहाँ है, DOL तक जाना है। तो DOL का क्या फॉर्मूला है आपको पता, कंट्रीब्यूशन बाय, हाँ बोलो, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। अब कंट्रीब्यूशन बाय EBIT के लिए आपके पास तोड़ना होगा थोड़ा, है ना, बिकॉज यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन नहीं है, है ना। तो कंट्रीब्यूशन को अगर तोड़े क्यू इंटू पी माइनस वी, ईबीआईटी को अगर तोड़े हैं तो क्या करेंगे, क्यू इंटू पी माइनस वी माइनस एफ। तो सर क्यू पता है क्या, क्या क्वांटिटी पता है, क्वेश्चन देख के बताओ क्या आपको क्वांटिटी पता है, क्या ये क्वेश्चन आपको क्वांटिटी का कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। क्वांटिटी मीन सेल्स, कितना क्वांटिटी सेल कर रहे हो, मैंने अंडरलाइन भी किया सर, आपका ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इज 40,000 यूनिट्स, मतलब आपका क्यू स्टार है 40,000, है ना, क्यू स्टार है आपका 40,000, मतलब अगर आप इतना सेल कर लेते हो तो ईबीआईटी क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20,000, तो 40 के साथ 20,000 भी सेल करोगे तो सेफ्टी में रहोगे, तो 40 + 20 = 60, ये आपका सेल है ना, तभी तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20 दे के रखा है, समझ गए ना। हाँ 60,000 पी माइनस भी पता है ना, 80, 60,000 इंटू 80 माइनस फिक्स कॉस्ट 32 लाख। चलो सर बताओ, कितना होगा सर, ऊपर का है 48 लाख, 48 लाख और नीचे का है 60 लाख, 16 लाख, हाँ 3 आ रहा है आंसर। तो DOL कितना हो गया, 3। क्या मतलब होगा इसका, If quantity change by 1%, then EBIT will change by 3%. Thank you, sir. Therefore, if Q, that is sales, change by 1%, EBIT will change by 3% in the same direction. The same direction. ठीक है, ठीक है, हो गया ये वाला, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, वेरी गुड सर, आगे बढ़े सर। ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया, मतलब DOL को डिटेल्स में बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं सर फॉर्मूला नंबर 2 में। DFL का चर्चा करेंगे, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, प्यार से हम लोग DFL कहते हैं इसको। सर DFL क्यों होता है, रिस्क ड्यू टू इंटरेस्ट एंड डीपी, डीपी मीन्स प्रेफरेंस डिविडेंट, याद रखिएगा
इक्विटी इक्विटी रिस्क नहीं लाता, क्यों? इक्विटी को देना मैंडेटरी नहीं होता है ना सर किसी भी एंगल से, इसलिए रिस्क नहीं है, ऑब्लिगेशन तो नहीं है ना कोई, नहीं दोगे तो क्या होगा? हाँ मार्केट गिर जाएगा वो अलग बात, ठीक है, इक्विटी वाले को नहीं दोगे तो मार्केट गिरेगा, इक्विटी वाले को नहीं दोगे तो मार्केट से बिजनेस का कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, वो अलग बात, लेकिन ऑब्लिगेशंस नहीं है, रिस्क नहीं, मतलब तो आपका बैंकरप्सी वगैरह नहीं आएगा, दिवालिया नहीं करेगा आपको, ठीक है, बिकॉज आप ट्रू शेयर होल्डर बन जाते हो जब आप इक्विटी होल्ड करते हो, मतलब बिजनेस के दुख के भी पार्ट हो, बिजनेस के सुख के भी पार्ट हो, ठीक है। तो रिस्क ड्यू टू इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड जो है ये आपको फाइनेंशियल लिवरेज क्रिएट करके देता है। तो इसको समझने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, प्रॉफिट जस्ट बिफोर, प्रॉफिट जस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड डीपी, मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, डीपी मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड देने का पहले का प्रॉफिट को न्यूमरेटर में दो और डिनोमिनेटर में प्रॉफिट जस्ट आफ्टर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, प्रॉफिट जस्ट आफ्टर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। डीएफएल इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है जो ऊपर में मैंने लिखा, इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने बोलूं, सिंप्लीफिकेशन तो ये है, बट इसको अगर मैं थोड़ा फॉर्मूला ओरिएंटेड या फिर कैलकुलेशन ओरिएंटेड बताओ तो क्या बोलोगे, इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड का पहला का प्रॉफिट क्या है, प्लीज टेल मी सर, इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड देने का पहले का प्रॉफिट क्या है, हाँ सर क्या सर, इंटरेस्ट और बाकी कुछ भी अगर आपको देना है प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह इसको देने, हाँ सर वही तो भाई, ईबीआईटी या फिर पीबीआईटी है ना, ईबीआईटी और पीबीआईटी ये इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड को देने से पहले का आपका प्रॉफिट है, तो ईबीआईटी ऊपर, ठीक है, वही हम लोगों ने लिखा अभी, इसको ऊपर लिखो ईबीआईटी डिवाइडेड बाई इसको डिवाइड बाई क्या करना है, ईबीआईटी से आप आपको डिवाइड करना है, मतलब ईबीआईटी माइनस अब इंटरेस्ट दे दो और अगर बिजनेस में डिफरेंस डिविडेंड है वो भी दे दो और अगर टैक्स भी है 1-t करके टैक्स भी दे, ठीक है, ईबीआईटी माइनस आई माइनस डीपी डिवाइडेड बाई 1-t, ठीक है, तो ईबीआईटी से इंटरेस्ट भी चला गया, प्रेफरेंस डिविडेंड भी चला गया और टैक्स भी चला गया 1-t, सर 1-t है वो, ठीक है, ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला बन जाता है सर, यही आपका फॉर्मूला बन जाता है, अब ये फॉर्मूला को रटने का क्या जरूरत है, समझ लो तो ऐसे ही दिमाग में हो जाना चाहिए, पर्चा बनाने का कोई जरूरत नहीं है। सो इट इन मोस्ट केसेस मैक्सिमम केस में क्या होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं रहता है, इज नॉट प्रेजेंट, सर अगर प्रेफरेंस नहीं रहेगा द फॉर्मूला बिकम्स क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बहुत इजी हो जाएगा फिर, बिकॉज आपको ईवीआईटी से डीपी को हटाने का जरूरत ही नहीं है, बिकॉज डीपी तो रहेगा ही नहीं ना, इंटरेस्ट हटाना पड़ेगा, तो फिर आपका फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा ईवीआईटी बाई पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स,
जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, दिस इज योर ईबीआईटी, दिस इज योर पीबीटी। अब यहाँ से टैक्स दे दो सरकार के घर में, फिर नेट इनकम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ईपीएस तक तो जा ही रहे हैं, अभी अभी पहुँच जाएंगे, बहुत जल्दी में हैं हम लोग, ईपीएस तक बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, नो इशू सर, बट फॉर्मूला बन के रेडी हो गया। तो क्या बन के रेडी हुआ, व्हेन देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड देन डीएफएल का फॉर्मूला है ईबीआईटी बाई पीबीटी, इफ देयर इज अ प्रेफरेंस डिविडेंड देन प्रेफरेंस डीएफएल का फॉर्मूला है ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीआईटी माइनस आई माइनस डीपी डिवाइडेड बाई वन माइनस, ठीक है। अब अभी बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा, इतना समझोगे रे भाई, इतना समझने के पागल हो जाओगे। एक सेकंड सर, अभी पहुंचते हैं। अच्छा, लेट अस एनालाइज द फॉर्मूला। सर क्या एनालिसिस निकल के आ सकता है, सर हायर द लेवल ऑफ हायर द लेवल ऑफ इंटरेस्ट एंड डीपी, डीपी मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर बिजनेस में इंटरेस्ट ज्यादा है, प्रेफरेंस डिविडेंड ज्यादा है, तो बिजनेस में फाइनेंशियल लिवरेज ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा ना, ऑब्वियसली ज्यादा होगा, आपको इंटरेस्ट ज्यादा चुकाना पड़ेगा, प्रेफरेंस वालों से भी पैसा लेके रखा तो उनको भी डिविडेंड देना होगा, तो हायर द लेवल ऑफ डीएफएल, ओके इतना तो समझ में आ ही गया सर, इसमें क्या बड़ी बात है, कोई भी बात इतना भी बड़ा नहीं होता जब तक उसको समझ में ना आ जाता हो। रॉकेट चलाना भी इतना बड़ा बात नहीं है, समझ में आ जाए तो रॉकेट भी भेज दोगे सर। सेंस डीएफएल इज एन Since DFL is an elasticity measurement, since DFL is an elasticity measurement, is different at different level of EBIT, ठीक है। Since DFL is an elasticity measurement, DFL क्या है? एक elasticity measurement है. Since DFL is an elasticity measurement, is different at different level of EBIT. ठीक है? Different level of EBIT. मतलब अलग-अलग EBIT के कारण आपका financial leverage में भी different measurement आता है. कैसे? Don't worry, अभी समझ में आ जाएगा. Let us define financial break-even point. सर ध्यान से सुनिए, जैसे operating break-even point ध्यान से सुनिए थे, वैसा ही concept है financial break-even point. कैसे आएगा सर? सर इसको हम लोग प्यार से बोलेंगे EBIT star. मतलब EBIT star का मतलब क्या है? सर आपको उस लेवल का ईबीआईटी ढूंढना है, ठीक है, उस लेवल का ईबीआईटी, क्या बोलते हैं सर, उस लेवल का ईबीआईटी, इट इज दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी, बिजनेस के लिए वो उस लेवल का ईबीआईटी है एट विच ईपीएस क्या होगा, जीरो होगा, जीरो, मतलब इतना ईबीआईटी कमा लो कि अर्निंग पर शेयर कम से कम जीरो हो जाए। अगर मैं आपको HDFC के बारे में बताऊं, HDFC का अर्निंग पर शेयर कितना दिखाई दे रहा है सर, लेटेस्ट चाहिए क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर, प्लीज टेल मी,
हाँ सर 68.80, ठीक है, इंडियाज लार्जेस्ट बैंक स्टेट बैंक को छोड़ के, प्राइवेट बैंक बोल सकते हो आप सर। 68.80 इसका अर्निंग पर शेयर है, पेटीएम पे जनते हैं। ऐसे मैं कंपेयर नहीं करूंगा पेटीएम के साथ एचडीएफसी का, एचडीएफसी के किसके कंपेयर करने से अच्छा रहेगा, आईसीआईसीआई एक्सिस, ठीक है चलो एक्सिस, एक्सिस बैंक खराब नहीं होगा, हाँ एचडीएफसी से पीछे रहेगा। खराब नहीं है, 46 पर शेयर ईपीएस है इसका, दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर, बोला ना सर खराब नहीं होगा इतना तो मैं श्योर। बंधन, बंधन देखेंगे नया है अभी, ये लोग तो काफी दिनों से हैं, इसको तो 2015 से आया है ना, बंधन का फाइनेंशियल चेक करते हैं। देखो देखो गुड एग्जांपल निकल गया है, थैंक यू। देखो सर 0.78 ईपीएस चल रहा है, हेलो हाँ मजा आया ना देख के, ये रैंडमली निकाला बट चलो अच्छा हुआ कि ईपीएस जीरो लेवल में आया, मतलब आप इतना अर्निंग कर रहे हो, इतना आपका ईबीआईटी हो रहा है, शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करने लायक ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, बट इतना कर रहे हो कि भाई कम से कम जीरो लेवल पे आ गए, मतलब अभी धीरे धीरे ये एक टका में पहुंच जाएगा सर, बंधन बैंक का अर्निंग पर शेयर धीरे धीरे 1 रुपी में आ जाएगा। एच डी एफ सी 68 में है, एक्सिस 46 में है, बंधन अभी एक टका पहुंच ढूंढ रहा, ठीक है सर। ये भी देखना पड़ेगा एच डी एफ सी वगैरह 2000 से पहले से है, ये 2015 के बाद से चल रहा है ना। अच्छा ये बात भी देखो सर, ये पहले इसका ईपीएस अच्छा था, हाँ इसका मतलब रिसेंट ट्रेंड में इसका बिजनेस में कुछ खर्चा बढ़ा है, इसलिए पर शेयर अर्निंग में थोड़ा गिरावट आया है। ऐसे तो 2015 में ही इसका अर्निंग पर शेयर 0.01 था, उसी लेवल में फिर से आ गया, क्या थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन लास्ट ईयर अच्छा था, ये 2022 का रिपोर्ट है। अच्छा अभी तक लास्ट मतलब डिटेल्स अभी ख़त्म नहीं हुआ, बट इसका रेवेन्यू बढ़ा है सर, जस्ट लुक एट दिस, सेल इंक्रीमेंट हुआ है, प्रॉफिट थोड़ा देखो, अच्छा ये पूरा नहीं हुआ, प्रॉफिट देखो 2948 2021 का डेटा देखो, इतना इसका पीबीटी था है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स देने के बाद नेट इनकम देखो 2205 करोड़ का, ठीक है तो इतना करंट फाइनेंशियल ईयर में जो है वो आई थिंक 2 मंथ्स का है ना, अप्रैल और मई, ये रिसेंट ट्रेंड का है, इसीलिए ये डेटा कंप्लीट नहीं है, ठीक है इनकम्प्लीट डेटा। तो फिर इतना समझ के चलो सर कि जब बिजनेस, जैसे अगर मैं पेटीएम के बारे में बात करूँ, पेटीएम का अभी भी ईपीएस का क्या हालत है, नेगेटिव में, मतलब आप इतना भी अर्निंग नहीं कर रहे हो कि आपका अर्निंग पर शेयर जीरो में आ जाए, है ना, हर एक बिजनेस नेगेटिव से स्टार्ट होता है सर, है ना ऑलमोस्ट, बिकॉज लोन वगैरह रहता ही है, तो अगर आप नेगेटिव से स्टार्ट करो तो कम से कम पॉजिटिव में तो पहुंचो, माइनस से कम से कम जीरो को तो आओ, फिर जीरो से पॉजिटिव का जर्नी देखेंगे कहां तक जाते हो। तो वही खेल है सर डीएफएल का, फाइनेंशियल लेवरेज का यही खेल है कि आप जीरो में आए हो कि नहीं, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना दुनिया में आए हैं तो प्यार कर लो, वैसा ही है कि बिजनेस करने आए हो तो ईपीएस को जीरो बना के तो दिखाओ सर, जीरो बनोगे तो हीरो भी बन जाओगे, समझ में आ रहा है ना, पहले जीरो बनो फिर हीरो बनोगे, ये बिजनेस का खेल है सर, बिजनेस पहले आपको जीरो बनाएगा फिर आपको हीरो बनाएगा। तो ईबीआईटी स्टार इट इज दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच ईपीएस इक्वल्स टू जीरो। इसको अगर थोड़ा सा मैं फॉर्मूला वाइज बात करूं, ईपीएस को थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा, तोड़ते हैं ना, तोड़ने में क्या जाता, ईबीआईटी स्टार, ठीक है EBIT स्टार, हाँ सर ये जो EBIT का मैं बात कर रहा हूँ ये EBIT स्टार का बात कर रहा हूँ, बिकॉज ये उस लेवल का EBIT है जो ब्रेक इवन, जो ब्रेक इवन EBIT का बात करता है, ठीक है। तो EBIT स्टार
माइनस इंटरेस्ट माइनस डीपी, मैं प्रेफरेंस डिविडेंड लेके चल रहा हूँ अभी, डिवाइडेड बाई वन माइनस टी इक्वल्स टू जीरो, मतलब बेसिकली ईपीएस का फॉर्मूला हो गया डीबीआईटी माइनस आई माइनस डीबी बाई वन माइनस टी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं ईबीआईटी स्टार को एक तरफ रखूँ और बाकी चीज़ों को अदर रखूँ तो फार्मूला क्या बन जाएगा सर? इसको इधर लेके आ जाते हैं, आई को माइनस आई जो है इक्वल्स के इस पार आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा इसको एक ब्रैकेट को हटा देते हैं, ये आई प्लस हो जाएगा और ये माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, आई प्लस डी पी बाई वन माइनस टी। ठीक है, ये रहेगा आपका डी एफ एल का ई बी आई टी स्टार का फॉर्मूला। ई बी आई टी स्टार का क्या मतलब निकाला सर? दैट लेवल ऑफ ई बी आई टी एट वी जी पी एस इक्वल्स टू जीरो, दस दस। ठीक है, दस दस क्या है? दस एट ई बी आई टी स्टार डी एफ एल, ई बी आई टी स्टार पे डी एफ एल क्या है? अनडिफाइंड है, बिकॉज ये ई पी एस क्या होगा वहाँ पर? जीरो है ना, जब अर्निंग पर शेयर जीरो है, जब अर्निंग पर शेयर जीरो रहेगा ना तो आप बेसिकली इतना ही बोल पाओगे कि ई बी आई टी स्टार है मतलब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज अनडिफाइंड है। ठीक है, लेकिन अगर अगर ई बी आई टी आपका ओरिजिनल ई बी आई टी जब ई बी आई टी को ई बी आई टी स्टार को छोड़ के आगे निकल जाएगा, अब ऐसा बोलोगे कि डी एफ एल पॉजिटिव है, मतलब रिस्क है पर पॉजिटिव रिस्क है। दूसरा बात है कि अगर ई बी आई टी लेस देन ई बी आई टी स्टार हो जाता है, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, जब ई बी आई टी लेस देन ई बी आई टी स्टार हो जाएगा तो डी एफ एल नेगेटिव कहलाएगा, फाइनेंशियल लिवरेज नेगेटिव कहलाएगा। ठीक है, मतलब लिवरेज तो लिया पर वो नेगेटिव बन रहा है सर, मतलब आपका इतना भी सेल्स नहीं है जो आपका ब्रेक इवन, इतना भी ई बी आई टी नहीं है जो आपका ब्रेक इवन ई बी आई टी को तोड़ पाए। ठीक है, जैसे कि पेटीएम का हालत, पेटीएम का करंट जो सिचुएशन है वो ऐसा ही सिचुएशंस में है कि आपका ओरिजिनल ई बी आई टी अभी तक वो नहीं आया जो आपका ब्रेक इवन ई बी आई टी को तोड़ के आगे निकले, इसीलिए आपका क्या चल रहा है अभी? नेगेटिव फाइनेंशियल लिवरेज चल रहा है। समझ में नहीं आया? जिस दिन आपका ई बी आई टी इतना हो जाएगा कि आपका ई पी एस जीरो हो जाए, उस दिन आप समझना कि आप पॉजिटिव फाइनेंशियल लिवरेज में आ गए। प्रिया, नील, जियाउल, टेल मी सर, कनेक्टेड हो तो बताओ। हाँ सर। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया तो आगे एक क्वेश्चन का जवाब भी दे दो सर। अगर ये जवाब दे दिया तो दिल खुश खुश हो जाएगा, गार्डन गार्डन हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर को भी सोच लो, ये कैपिटल स्ट्रक्चर का भी क्वेश्चन है। ठीक है, लिवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर कंबाइंड लेवल में भी सिलेबस में रहता है। ठीक है, 12% टर्म लोन है आपका, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ये सब आप सुन के आए हो सर, 500 लाख का 12% टर्म लोन है आपका सर, 10,000 इक्विटी शेयर्स आप रुपीज 100 ईच, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 10,000 शेयर 100 करके 10 लाख, ठीक है 10 लाख सर। कैपिटल एम्प्लॉयड एट 100 लाख का,
कैपिटल एम्प्लॉयड 800 लाख का, क्वेश्चन में डीएफएल जो है गिवन है 3, डीएफएल इज 3, सवाल क्या है, कंट्रीब्यूशन इज टू बी फाउंड आउट गिवन दैट DOL equals to 2. सर DOL भी दे दिया, DFL भी दे दिया, सवाल क्या पूछा है, कंट्रीब्यूशन क्या है कंपनी का बिजनेस में, ये पूछ रहा है आपसे, ट्राई करोगे सर? मैं समझ सकता हूँ थोड़ा लेवल अप है, बट अगेन वही तरीका अपनाना चाहिए जो तरीका मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जितना पता है पहले उसको यूज करो, तो जो ना पता उसको उस तक पहुंच जाओगे। बोलो सर, क्वेश्चन लिख लिया, समझ में आया क्वेश्चन? आपको कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए बोला है, बहुत आसान है सर। जियाउल, नील, प्रिया, ट्राई कर रहोगे क्या? क्या ट्राई बनता है? ठीक है, मेरे साथ साथ ट्राई करो। सबसे पहले जो गिवन है वो देख लेते हैं सर। आपको डीएफएल पता है ना, डीएफएल 3 बोल दिया, लेकिन क्या आपको डीएफएल का फॉर्मूला पता है? क्या फॉर्मूला है डीएफएल का सर? एक फॉर्मूला मैंने आपको यहां पर बताया, ईवीआईटी बाई ईवीआईटी माइनस आई माइनस डीपी इनटू 1 माइनस टी। दूसरा एक फॉर्मूला मैंने यहां पर बताया, जब फाइनेंस प्रेफरेंस नहीं रहेगा तब पीबीआईटी बाई ईवीआईटी बाई पीबीटी। तो क्या हमारे इस गिवन क्वेश्चन में प्रेफरेंस है सर? इतना तो बता दो। नहीं है। तो कौन सा फॉर्मूला अपनाओगे? ईवीआईटी बाई पीबीटी। बस काम खत्म, पैसा हजम। सर डीएफएल पता है आपको 3, 3 इक्वल्स टू ईबीआईटी बाय पीबीटी। सर अभी थोड़ा सा ऐसा करें, इस ईबीआईटी को थोड़ा तोड़ सकते हैं क्या, मतलब सॉरी पीबीटी को, 3 इक्वल्स टू ईबीआईटी बाय पीबीटी को तोड़ते हैं, ईबीआईटी माइनस आई है ना। अब इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और जो पता है उसको पुट करते हैं। फिर इसको क्रॉस करो, 3 ईबीआईटी माइनस 3 आई। आई कितना पता है आपको, क्वेश्चन में गिवन है ना आई 12%, 500 लाख का 12% कितना होता 60. है बस 3 इंटू 60। हाँ सर ये 60 है, तो 3 इंटू 60 कर दोगे क्या? वन एट्टी हो गया। हाँ, और इधर ईबीआईटी के साथ कुछ नहीं है, तो इधर ईबीआईटी लिख देते हैं। यहाँ पर 60 पुट नहीं किया, डायरेक्टली लिखा दिया। चलो मैं पुट कर देता हूँ, तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है और कर देते हैं, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस 60। ठीक है, अब इसको इसके साथ कर लो। ठीक है, अच्छा अब दूसरे पॉइंट में ईबीआईटी माइनस 180 इक्वल्स टू ईबीआईटी। ओके, और अब ईबीआईटी यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, 3 ईबीआईटी से ईबीआईटी को लेस करो, ये वाला ईबीआईटी को इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो 2 ईबीआईटी इक्वल्स टू 180 और ईबीआईटी इक्वल्स टू 180 बाय 2 कितना हो गया, ईबीआईटी इक्वल्स टू 90 लाख। इतना तो समझ में आ गया सर, बोला ना जो पता है उसको पुट करके कोशिश करना है।
अच्छा अब क्वेश्चन में DOL भी गिवन है क्या? हाँ अब DOL को भी अगर लिखना है तो लिख दो, क्वेश्चन में DOL भी गिवन है तो DOL इक्वल्स टू टू। DOL का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। क्या आपको कंट्रीब्यूशन पता है सर? सर वही तो निकालने बोला है। EBIT पता है ना सर आपको? अभी अभी निकाले सर। कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? बोलो। 45 ये तो इनटू होता है। है 80,000 180। हाँ 180 लाख। 180,000 ठीक है। यही सवाल पूछा था आपको। हो गया और क्या? देखने में जितना कठिन लग रहा था क्या इतना कठिन है? क्या उतना कठिन नहीं है? क्या सर आप लोग कनेक्टेड हो? हाँ सर। सर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम और नेटवर्क इश्यूज हुआ है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा कनेक्टिविटी चला गया। अच्छा क्या कंट्रीब्यूशन तक समझ में आ गया? हाँ सर। सर एक लास्ट पॉइंट लिख लो। लास्ट पॉइंट क्या है सर? सर लास्ट पॉइंट इज, स्क्रीन शेयर है सबको? हाँ सर। सर फॉर्मूला 3 कंप्लीशन स्टेज में आ गए सर, डोंट वरी। फॉर्मूला 3 सर हेडिंग करना डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज, ठीक है। बहुत ही आसान है टोटल लेवरेज का कैलकुलेशन और फॉर्मूला, बिकॉज जिसको DOL DFL समझ में आ गया उसको DTL में और क्या है, बस तो इनटू करना होता है ना सर। हाँ जियाउल, बस तो इनटू करना होता है। सो DTL इक्वल्स टू रिस्क ड्यू टू फिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड, सब कुछ। टोटल लेवरेज क्यों होता है? फिक्स कॉस्ट के कारण, इंटरेस्ट के कारण, प्रेफरेंस डिविडेंड के कारण, सारे रीजंस में DTL होता है। सो फॉर्मूला क्या होगा सर? फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट पहले लिख लो। प्रॉफिट बिफोर एफ इंटरेस्ट DP, ये बिफोर प्रॉफिट बिफोर फिक्स कॉस्ट इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, इसको डिवाइड करना पड़ता है प्रॉफिट आफ्टर एफ आई एंड DP, ठीक है। बड़ा सिंपल सा बात है यार, मैं क्या बताऊं आपको। इसको अगर हम लिखे सर, फिक्स्ड कॉस्ट इंटरेस्ट ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड के पहले का प्रॉफिट क्या है? Q इंटू पी माइनस वी, क्या होता है सर? फिक्स कॉस्ट से पहले क्या प्रॉफिट आता है? कंट्रीब्यूशन ना। कंट्रीब्यूशन। और फिक्स्ड कॉस्ट इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद जो प्रॉफिट आता है उसको क्या बोलते हैं सर? PBT बोलते हैं ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो क्यू इंटू पी माइनस वी माइनस एफ माइनस आई माइनस DP डिवाइडेड बाय 1 माइनस, तो क्या मिलेगा? PBT। सो
ये हो गया आपका दोनों डिवाइड का मतलब कंट्रीब्यूशन बाय पीबीटी, यही है आपका डीटीएल का फॉर्मूला, डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज का यही है फॉर्मूला, डीटीएल और डीसीएल कंबाइंड लिवरेज भी बहुत जगह में आपको सुनने को मिलेगा। सर एक बहुत सिंपल सा बात है, इफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट प्रेजेंट, बिकॉज बहुत केस में बिजनेस में नहीं होता है प्रेफरेंस डिविडेंड, बिजनेस में बहुत केस में नहीं होता है, सो इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। कनेक्टेड है सर आप लोग? तो डीटीएल इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन बाय पीबीटी, बिकॉज बाकी डिटेल्स लिखने का जरूरत नहीं है, ये वाला जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट पीबीटी से हो जाता है। सर एक बात है, आप लिखो वो तो, ऐसे लिखो हिंदी में लिख लो, वो तो होना ही था। सर कैसे होना था? बिकॉज डीओएल इनटू डीएफएल फॉर्मूला क्या है, देख मजा देख, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, हेलो डीएफएल का फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी बाय पीबीटी, ईबीआईटी ईबीआईटी काट दे, क्या बचता है कंट्रीब्यूशन बाय पीबीटी। तो इसलिए क्या बोला सर, अगर फाइनेंशियल सॉरी प्रेफरेंस डिविडेंड अगर नहीं है तो फिर कंट्रीब्यूशन बाय पीबीटी तो होना ही था, ठीक है, कंट्रीब्यूशन बाय पीबीटी होना ही था। सर सब कुछ समझ में आ गया, बस एक छोटा पॉइंट लिख लो, ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट, बिकॉज आपको मैंने ऑपरेटिंग ब्रेक इवन बताया, आपको मैंने फाइनेंशियल ब्रेक इवन बताया, तो फिर टोटल ब्रेक इवन क्यों नहीं बताया सर, है ना, तो ओवरऑल ब्रेक इवन का भी फॉर्मूला लिख लो, ऐसे बहुत सिंपल है, कॉमन सेंस में भी फॉर्म कर सकते हो, इसको एक नाम दे देते हैं सर क्यू डबल स्टार, बिकॉज सेल से स्टार्ट होगा ईपीएस तक जाएगा, ठीक है सर, क्यू डबल स्टार का मतलब ये है कि आपका रेवेन्यू इतना होना चाहिए कि ईपीएस जीरो हो जाए, समझ में आ गया, इतना रेवेन्यू कमा लो, पेटीएम के लिए कहना चाहूंगा कि इतना रेवेन्यू कमा लो कि ईपीएस नेगेटिव से जीरो हो जाए, ठीक है, इसको बोलेंगे ओवरऑल ब्रेक इवन, ठीक है, इसको बोलेंगे ओवरऑल ब्रेक इवन। जैसे इससे पहले हम लोगों को फाइनेंशियल लिवरेज बता रहे थे, फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब है इतना ईबीआईटी कमा लो कि ईपीएस जीरो हो जाए, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं, इतना क्यों कर लो, इतना रेवेन्यू कमा लो कि ईपीएस जीरो हो जाए, फर्क समझ में आ गया ना। लेवल ऑफ क्वांटिटी एट विच ईपीएस इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, फॉर्मूला वाइज अगर लिखे ईपीएस को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ते ना, क्यू डबल स्टार इंटू पी माइनस वी माइनस एफ माइनस आई माइनस डी पी डिवाइड बाई वन माइनस टी इक्वल्स टू जीरो, इसको अगर थोड़ा सा Q स्टार को अगर इधर रखना चाहता है तो बाकी चीज़ों को इधर हटाना पड़ेगा, तो आपका फार्मूला बन जाएगा ये माइनस एफ प्लस हो जाएगा, ये आई भी प्लस हो जाएगा, डी पी भी प्लस हो जाएगा, वन माइनस टी इधर रह जाएगा, होल डिवाइडेड बाई ये पी माइनस भी नीचे आ जाएगा, तो आपका Q डबल स्टार का क्या फार्मूला निकल गया, Q डबल स्टार मतलब ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट, पॉइंट टू बी नोटेड सर, हाँ ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, मतलब Q से EPS तक का जो जर्नी है उसमें ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट कब आता है, जब आपका इतना प्रॉफिट हो, इतना रेवेन्यू आप कर लो कि आपका EPS जीरो हो जाए, ठीक है, समझ गए सर, यही है लिवरेज का ओवरऑल कॉन्सेप्ट, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया मैंने आपको। प्रिया
नील जियाउल, क्या समझ में आया सर? लिख लिए? हाँ। अब आगे क्या करना है सर? मैं आप लोगों को कुछ लेवरेज रिलेटेड क्वेश्चन आंसर का क्लास शेयर करता हूँ घर पे, ठीक है? आप दो एक दिन के अंदर कर लो, लेवरेज रिलेटेड जितना क्वेश्चन है, लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर का मिक्सअप रहेगा, ठीक है? तो आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा और कुछ नहीं करना है, ठीक है? लेवरेज का कॉन्सेप्ट पूरा लिखा दिया, समझा दिया, अब बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। मैं कुछ क्वेश्चन आंसर का क्लास भी शेयर कर देता हूँ लेवरेज का, आप प्लीज मस्ट गो थ्रू सर, इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर में मैं सोच रहा हूँ आपको वर्किंग कैपिटल स्टार्ट करना, ठीक है? बाकी रिकॉर्डेड तो मैं जिनको शेयर कर दिया, आप करते रहो कैपिटल बजटिंग, बाकी इधर मैं आपको लाइव में भी ये कराते रह रहा हूँ, अगर कोई भी डाउट होता है आपके मन में आप मेरे को पूछ लीजिएगा, ठीक है? ओके ठीक है सर, चलो बाय फिर। फ्यूचर एंड ऑप्शंस प्रिया कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अगर ज्वाइन करोगे तो बोलिएगा, सभी को बोल रहा हूँ, ठीक है? चलो सर, टाटा बाय, गुड नाइट।